वर्तमान समय में सच्चा प्रेम करने वालों की संख्या ना के बराबर बची है और विवाह को एकमात्र कठोर नियम समझकर निभाया जाता है। बढ़ती हुई घरेलू हिंसा और वैवाहिक अलगाव इसके उदाहरण हैं। प्रेम को जाति और धर्म की बेड़ियों से जकड़ दिया गया है और उसे अनावश्यक रूप से अपने आत्मसम्मान से समाज के कुछ गंवार वर्गों के लोगों ने जोड़ दिया है। प्रेम तो इंसानियत की तासीर है। ये धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं से परे है। आज हम बाबा के गुरुकुल में जानेंगे इस विषय पर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋढस्य शेषम कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्नि मेते प्रदहन्ति कायम। यानी स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को दग्ध कर देती हैं, यानी जला देती हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि प्रेमिका का वियोग आदमी को तोड़कर रख देता है, वह असहाय और अकेला रह जाता है, उसके दुख सुख का कोई साथी नहीं होता, वह अपने जीवन के आवश्यक कार्यों को एकाग्र मन से नहीं कर पाता। इसी तरह अपने ही लोगों के द्वारा अपमानित होना सर्वाधिक दुख पहुंचाता है। व्यक्ति यदि कर्ज ना चुका पाए तो उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। जीवन में दरिद्र होने का दुख सबसे बड़ा है। वह अपनी निर्धनता के कारण अपना सिर गर्व से नहीं उठा पाता। इसी भांति जब आदमी अपने प्रतिकूल किसी सभा का आयोजन देखता है, अर्थात समाज में उसे भला बुरा कहा जाता है, तो उसे मर्मांतक पीड़ा होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये चीजें यद्यपि आग नहीं है, पर इनके द्वारा आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व जलकर राख हो जाता है।